वेलकम टू माई चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो है वो एक क्रीम कह लीजिए, सेरम कह लीजिए, हेयर्स के लिए, जो कि यू नो कंपनी काफ़ी प्रमोट कर रही है और बता रही है कि ये सेरम और ये क्रीम जो हेयर्स का है, ये 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपके हेयर्स को बहुत शाइनी, अच्छा, स्मूथ बना देती है। डेमो भी दिखा रहे हैं, कुछ हेयर्स लेके आपके सामने अप्लाई कर रहे हैं और उसको अप्लाई करने के बाद में 5 सेकेंड्स के अंदर उस आप उसे पानी में डुबाएंगे और बाल आपके अच्छे हो जाएंगे। 5 सेकेंड तो इनको लगाने में इसको लग रहा है, 5 सेकेंड के खैर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बाल हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। 5 सेकेंड में आपके ऐसे बाल, स्मूथ शाइनी हेयर्स आपके आएंगे निकल कर। क्यों आएंगे? क्योंकि इसका जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि ये बोलते हैं। आप खुद देख लीजिए, वीडियोस पे वीडियोस हैं। ना सिर्फ ये कंपनी, बाकी दूसरी भी कंपनीज़ इसको बना रही हैं और इस तरीके से आपके शाइनी ब्यूटीफुल हेयर्स हो जाएंगे। 5 सेकेंड का रिपेयर सिस्टम है ये डैमेज का और ये आपके बालों को काफ़ी स्मूथ बनाता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो मॉलिक्यूलर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो बिल्कुल आपके रूट्स में जाकर बहुत अच्छा सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, वो आप नॉर्मली हासिल नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने बालों में अप्लाई करना है अच्छे से। आपको खुद देख लीजिए, 120 ml का है और इसमें डिफरेंट भी कंपनीज है जो बना रही हैं। 60 ml का है सबसे छोटा, एक्सपेंसिव है काफ़ी, ठीक है ना। इसकी जो 60 ml की बॉटल है वही 1000 से ऊपर की, अराउंड 1200-1300 की इसकी बॉटल है 60 ml की, ठीक है ना। और ये इस तरीके से इंस्टेंट शाइन देता है जैसे कि ये बता रहे हैं, और आपके बालों को काफ़ी एक लेयर बना देता है आपके बालों में, जिससे आपके बाल ऑटोमेटिकली एकदम से ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है ना। आप खुद देख लीजिए, डेमो में ये लोग दिखा रहे हैं क्यों ऐसे हो जाते हैं बाल, क्या है इसमें ऐसा। इसमें कर्नल है। कर्नल क्या है? एरागन ऑयल जो है, एरागन ऑयल आपका बेस है इसमें। एरागन ऑयल बहुत महंगा होता है, बहुत सारी कंपनीज उसे हेयर के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती हैं। बहुत मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को भी करता है, हेयर्स को भी करता है, लेकिन इतना आसान नहीं है उसे मिलना। एरागन जो ऑयल है वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा और वो ऐसे नहीं बिकता है जैसे बड़ी बड़ी बॉटल्स में, जैसे कोकोनट की बॉटल हो गई, कोकोनट ऑयल की, मस्टर्ड की, यू नो ऑलिव ऑयल की, ऐसे नहीं बिकता, वो बहुत ज़्यादा महंगा ऑयल है, ठीक है ना। एरागन जो है, एरागन का एक पेड़ है, ये कर्नल है उसकी, मतलब उसकी फली है, फली के अंदर फिर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके अंदर जाकर एक छोटी सी फली निकलती है जिसका ऑयल ये लोग ग्राइंड करके उसे निकालते हैं, और वो पेड़ सिर्फ मोरक्को कंट्री में लगता है और कहीं नहीं लगता। सदर्न मोरक्को कंट्री के पार्ट में ये ट्री लगता है और इसका ऑयल निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत एक्सटेंसिव लेबर इसको लगता है ऑयल निकालने के लिए। जितनी भी मेरी स्टडी है उस हिसाब से सिर्फ मोरक्को कंट्री में एरागन का पेड़ लगता है, जिसकी वजह से यू नो वो बहुत एक्सपेंसिव है, आराम से आपको मिलता नहीं है, लेकिन उसकी कुछ ड्रॉप्स भी बहुत कमाल करती हैं स्किन में, हेयर्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये क्रीम्स और ये जो यू नो हेयर सूदिंग और ड्राइनेस के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसमें एरागन ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो क्रीम इन्होंने बनाई है, इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ को शामिल किया है, और बायोटिन इसके अंदर में शामिल किया है, ओमेगा 3 इसके अंदर में शामिल किया है। इन तीनों को इन्होंने मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया है कह लीजिए, और वो डिज़ाइन करके इन्होंने ये क्रीम फॉर्म बनाई है, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके इन्होंने जो बनाया है, वो जैसे ही आप अपने बालों पे लगाते हैं, रूट्स पे तो इसको लगाना नहीं है, बालों की फ्रिजीनेस ये हटाता है। आप फ्रिजीनेस पे लगाएंगे अपने बालों की, विद इन 5 सेकेंड्स ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा लस्टर्स, शाइनी और अच्छा बना देगा, इनका कहना है। बट जितना भी मैंने इसका रिव्यू देखा है, जितना भी मैंने लोगों से सुना है, इतना जैसे कि ये दिखा रहे हैं ऐसा नहीं आता है। ऐसा तब आएगा जब ये आधी बॉटल इस्तेमाल कर लेंगे आपके ऊपर। 60 ml की बॉटल अगर आप लेके आते हैं, तो 30 ml की बॉटल जब आप इस्तेमाल कर लेंगे अपने बालों में, तब ऐसा रिजल्ट आएगा, और वो भी 5 सेकेंड्स में नहीं आता, बिकॉज ये बहुत स्लिपरी है, आपको निकालने में इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, एटलीस्ट 5 सेकेंड से तो ऊपर ही लगेगा, 5 मिनट आराम से आपको धोने में
5 to 10 minutes आपको लगेंगे इस क्रीम को बालों से निकालने में, और उसके बाद में ये आपको ऐसा रिजल्ट देगा। मतलब एक बॉटल है वो अराउंड 1200 अबव 1200 की है, 1300-1200 की है, 60 ml की बॉटल, सिर्फ 2 एप्लीकेशन आपको देगी और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगी और फिर से आपके बाल वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे। अगर आप थोड़ा सा लेंगे इसको, जैसे कि मैंने बताया ऐसा रिजल्ट चाहिए, तो 30 ml आपको इस्तेमाल करने का पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना सा आपने लिया जिसके बाल लंबे हैं छोटे भी हैं तो भी इतना कम नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लेना पड़ेगा अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए इंस्टेंटली आपको विद इन 10-15 मिनट्स आफ्टर हेयर वॉश के, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल फॉल्स बात है कि 5 सेकंड में ऐसा दे देता है आपको और आपको इतना सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये फॉल्स बात है, ठीक है। उनका कहना है कि ये इतने अच्छी रिजल्ट्स नहीं देता जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि इतना सा इस्तेमाल कर लिया जाए और वो आपके बालों को ऐसा बना देगा। आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद भी बहुत लोगों के बाल बहुत अच्छे नहीं हो। अब 30 ml तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना। अब इतना महंगा खरीदा है तो थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना चाहेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो नहीं चाहेगा कि आप यू नो 30 ml पूरा लगा लें अपने बालों पे। 2 ही एप्लीकेशन मिलेंगी आपको 1200-1300 रुपीज़ में 60 ml की बॉटल, कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोडक्ट लेकर इतने पैसे लगाकर अगर आपको सिर्फ टेम्प्ररी सोल्यूशन मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यू नो आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इस तरीके की जैसे ये एप्लीकेशन बता रहे हैं और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा एकदम से, वो तभी होगा जब आप 30 ml इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा यू नो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने बालों पे। इतना कम लेकर और 5 सेकंड में नहीं आता रिजल्ट, 5 to 10 minutes उसको धोने में लगते हैं और आपको एप्लीकेशन अपने बालों के हिसाब से और फ्रिजीनेस के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। क्यों कॉस्टली पड़ेगा मैंने बता दिया है, एरेगन ऑयल बहुत महंगा होता है, मोरक्को कंट्री में इसका ट्री उगता है, वहाँ से इंपोर्ट करना, उस ऑयल को ख़रीदना लाना बहुत यू नो कॉस्टली पड़ जाता है। और इसमें आपका ओमेगा 3 भी है, इसमें बायोटिन भी है, इसका कॉम्बिनेशन मिलाकर इसको प्रोसेस करना टेक्नोलॉजी फॉर्म में जिस तरह से बता रहे हैं वो तैयार करना, उसमें भी सर्विस लगती है, तो इसीलिए ये एक्सपेंसिव है। अब जो लोग नहीं खरीद सकते, जो लोग यू नो फ्रिजनेस है, सब किया है मैक्सिमम, आजकल बाल फ्रिजन हो जाते हैं किस वजह से, पानी से भी हो जाते हैं। जो पानी आजकल आ रहा है वो फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़ भी है, ठीक है, ड्राई कर देता है बालों को, ब्रिटल कर देता है, 2 मुखी बाल हो जाते हैं, सॉफ्टनेस तो बिल्कुल नहीं रहती है। मैक्सिमम जो आपके बाल ख़राब हो रहे हैं वो पानी से ही हो रहे हैं, बाकी और किसी चीज़ से नहीं हो रहा है। ऑयलिंग आपको करनी पड़ेगी, आप करते नहीं हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे रीजंस हैं आपके बाल अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं। आप ये भी करते हैं, आप वो भी करते हैं, ठीक है ना, आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन सिर्फ करने से नहीं होता, खाने से भी होगा। जो भी अंदर खाएंगे वही बाहर नज़र आएगा। मैक्सिमम लोग बोलते हैं ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। जो चाइना के गाँव में वुमेंस और गर्ल्स यू नो हेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, मेरी वीडियो है जिस पे लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं उसमें, तो वो इसलिए उनके बाल अच्छे हैं बिकॉज उनकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। अगर आप खाते ही कुछ नहीं है, आपका कुछ भी नॉनवेज भी नहीं है, कुछ इवन चलो नॉनवेज आप नहीं भी खाते लेकिन आपकी डाइट दूसरी तरीके की है भी नहीं, फ्रूट्स भी शामिल नहीं है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ओवर कुक कर देते हैं, मसाला डाल देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी आपके पास। फिर आपके हेयर्स, आप ऊपर से कितना भी राइस वाटर लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो उनको मिलते हैं, ठीक है ना। वो जो डाइट खाते हैं वो सी फूड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, सी फूड में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। अब जो नॉन वेज है वो तो ठीक है, लेकिन जो वेज है फिर वो बोलते हैं कि हम क्या करें, ठीक है। तो जो वेज है उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं, ठीक है, बायोटिन है, ओमेगा है, फ्लैक्स सीड्स में है, आपकी अलसी के बीज हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है लगाने में भी खाने में भी। अब आप बोलेंगे खाएंगे कैसे, तो उसको ग्राइंड करके आप उसका पाउडर आप अपने आटे में गूंद लीजिए, जो रोटी आप खाते हैं उसमें बनाकर आप उसमें डाल लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, ठीक है। ओमेगा 3 होता है उसमें फ्लैक्स सीड में, बहुत अच्छा है। जो फिश ऑयल नहीं खाते, कैप्सूल फॉर्म में अगर फ़िश ऑयल आ भी रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आराम से स्वॉलो कर जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको ओवर कुक मत करें, स्ट्रीम कुक करें ताकि आप खा भी सकें और आपको ओवर कुकिंग से उसके न्यूट्रिशन वैल्यू ना घट जाए,
आपको ये देखना पड़ेगा, अब आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे आपको वो चीज़ हासिल हो जाए जो उनको नॉनवेज खाकर हो रही है। ठीक है, नॉनवेज जो बालों का आप मसला देख लीजिए, बाल जो बहुत अच्छे होते हैं, बंगाली पीपल के बाल बहुत अच्छे होते हैं, फिश पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिश में जो है ओमेगा 3 है, बहुत ही अच्छी है फिश। ठीक है, आपकी आइज़ के लिए, हेयर्स के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। टाइप्स की फिशेस खाते हैं, प्रॉन्स हो गए, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है इन चीज़ों में। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ एक वेज वाले के कंपैरिजन में फिट बैठेंगी, तो आपको वेज वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको वो जो पोषण है बॉडी को चाहिए चीज़ों के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, वो कम है। अब ये 60 ml की बॉटल बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन कर भी सकता है तो उसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 2 ही एप्लीकेशंस उसको मिलेंगी। बड़े में भी आ रही है ये बॉटल, तो महीने का आप ये कह लीजिए, अगर आप इसे लगाते हैं कहीं पार्टी वार्टी के लिए या वैसे आप लगाना चाहते हैं इसको, तो भी 120 ml की बॉटल आपकी ये कह लीजिए कि 15 डेज़ में ख़त्म हो जाएगी, अगर आप फ्रिजीनेस हटाना चाहते हैं। तो ये टेम्प्रेरी चीज़ है, ये अंदर से कोई पोषण नहीं देगा, थोड़ी देर के लिए देगा, फिर वैसे ही ब्रिटल हो जाएंगे हेयर्स। अंदर से भी पोषण चाहिए और बाहर से भी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ऐसी कोई सस्ती चीज़ चाहिए जिससे हम अपने हेयर्स को अच्छा बना सकें, ऐसा ही रिज़ल्ट हमें मिल जाए और वो हो परमानेंट। ऐसा नहीं कि कुछ ख़रीदा लगा लिया तब तक ठीक रहा, उसके बाद में आपके हेयर्स फिर से झाड़ू की तरह हो गए, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसी सस्ती चीज़ जिसे रेगुलर भी इस्तेमाल किया जा सके और जो हमारे बालों के लिए अच्छी भी हो। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं देख लेते हैं। ये फ्लेक्सीड जेल है, एग और हनी का है दूसरा पैक, तीसरा है कर्ड और बेसन, थर्ड है एलोवेरा जेल, सिर्फ खाली भी लगा लेंगे बहुत अच्छा है। फिर है मेथी और कलौंजी का जेल, मेथी को अगर आप डुबा के रखेंगे और कलौंजी को, तो वो सुबह के टाइम पे अगर उसे ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल डालेंगे तब ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगी, बहुत अच्छा सा फोमिंग दे देगी आपको। फिर आपका बनाना और मिल्क, मिल्क बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद, बहुत अच्छा होता है मिल्क, आपकी डैंड्रफ को भी हटाएगा और सूदिंग इफेक्ट देगा, और फुल क्रीम मिल्क हो तो बहुत अच्छा है। फिर है आपका कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में आसानी से आपको मिल जाती हैं, आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आई थिंक 100 रुपये से भी ऊपर की हो, हर एक चीज़ 100 रुपीज़ से भी नीचे की है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगे तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, आप एक दिन एक पैक लगा सकते हैं, दूसरे दिन दूसरा लगा सकते हैं। आप यकीन मानिए मेरी बात, अगर ये सारा जैसे मैंने लिस्ट में दे रखा है, अगर आप इसको ऐसे ही लगाते हैं, एक दिन फ्लेक्सीड जेल लगाते हैं, एक दिन एग और हनी का, एक दिन ऐसे सो ऑन जैसे मैंने बता रखा है, ऐसे अगर आप लगाते हैं डेली लगाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, डेली ही लगाना है, 1 month करके देख लीजिए, आपको ऐसे सॉफ्ट आपके बाल मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि सच में ये मेरे बाल हैं, खुद इतने सिल्की, इतने ऐसा लगेगा आपने अभी अभी पार्लर से स्ट्रेटनिंग कराई है, कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप ही बालों को इतना पोषण मिल जाएगा, बाल ही खुश खुश होकर खुद ही फूले फूले, वॉल्यूम लगेगी आपको बालों में, आपसे बाल संभाले नहीं जाएंगे, इतनी सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे आपके बाल। आप करके देख लीजिए, ये वेरीफाइड है, करके देख लीजिए, ये जो लिस्ट में आपको बताई है मैंने, ये लिस्ट मैंने इसलिए बताई है, मैंने सिर्फ फ्लेक्सीड जेल नहीं बताया, ठीक है, मैंने बताया है फ्लेक्सीड लगाइए, हैक लगाइए, हनी लगाइए, फिर ऐसे ऐसे सो ऑन, हर चीज़ में हर कुछ है बालों के लिए, ठीक है ना, जैसे डिफरेंट सब्जियों में विटामिन मिनरल्स है, ऐसे ही इन चीज़ों में भी हर चीज़ में अलग अलग चीज़ है बालों के लिए। ये सब चीज़ें अगर आप 1 by 1 लगाते हैं, आपके बालों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब इसमें खाना क्या क्या है, खाने की इसमें सारी चीज़ें खाने की ही हैं, मैंने बोला है जो आप खा सकते हैं वो लगा भी सकते हैं। फ्लेक्सीड है, आप उसे ग्राइंड करके, जेल आपको जेल तो बनाकर आप पियेंगे नहीं, फ्लेक्सीड को ग्राइंड करके आटे में मिला के आप रोटी बनाकर खा सकते हैं, वो आपके पेट में चले जाएगी, काफ़ी है, आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा करेगी। एग और हनी, एग आप खाते ही हैं, हनी की प्योर हनी स्पूनफुल आपको मिल जाए तो पी लीजिए, नहीं है तो फिर जो नॉर्मल हनी आपको मिलता है, बस ध्यान रखें कि वो एंटीबायोटिक से फुल अप ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, उसको मिलाकर एग में आप लगा लीजिए।
कर्ड आप खाते हैं, बेसन भी आप खाते हैं, एलोवेरा जेल बहुत सारे लोग खाते हैं। अगर एलोवेरा का वो जो पत्ता है आपके पास में, उसका जेल निकाल लीजिए, उसको खा लीजिए, बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, लगाने के लिए, खाने के लिए, बालों के लिए। मेथी कलौंजी आप खाते हैं, बनाना भी खाते हैं, मिल्क भी पीते हैं, कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम, सब कुछ ऐसा है जो आप खाते भी हैं, लगाते भी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका वेस्ट होगा, सब कुछ इसमें। मैंने हमेशा बोला है जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके बालों और स्किन के लिए भी अच्छा है। तो महंगी चीज़ों के पीछे ना जाए, अफसोस ना करें कि हमारे पास ये नहीं है, हम कैसे वो चीज़ अक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। कंपनीज़ का काम होता है मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट को बेचना। मैं ऐसा नहीं बोलती कि सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी स्टर्बन चीज़ें हैं आपके चेहरे के लिए, मेलास्मा हो गया, और भी चीज़ें हो गई जो जाती नहीं है, आपको उसके लिए मेडिसिन्स लेनी ही पड़ती हैं। बट जो चीज़ नॉर्मल है उसके लिए भी अगर आप मेडिसिन्स पे या फिर महंगी चीज़ों पे जाएंगे तो आपका ही बजट भी गड़बड़ाएगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी। जब मिलेगा तो बाल अच्छे होंगे, जब नहीं मिला तो बाल ख़राब हो जाएंगे। तो जितना हो सके अपने आप को लाइफ में भी और नॉर्मल कॉस्मेटिक और मेकअप वेकअप की चीज़ों में अपने आप को नॉर्मल रखें, ताकि अगर ना भी मिले तो आपका चेहरा या बाल ख़राब ना हो, मेंटेन रहें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टे ट्यून्ड फॉर मैनी वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।